अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली जंजानी, इदारा आईना किस्मत से, और आप देख रहे हैं AQ वेब टीवी चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे एरिस से लेके पाइसिस तक के जोडिक साइंस के ऊपर ग्रहणों के असरात, यानी कि 2019 में जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स लग रहे हैं उनके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज हमारा प्रोग्राम होगा। बुर्ज हमल के ऊपर सबसे पहले 6 जनवरी को जो सूरज ग्रहण आपके जायचे के घर में लग रहा है, आपकी कारोबारी साख और सेहत जिस्मानी का खसूसी ख्याल रखें। इसके अलावा दूसरा ग्रहण 21 जनवरी को आपके जायचे के 5वें घर में चांद ग्रहण लगेगा, तो आपके मामलाते इश्क मोहब्बत और जज्बाती मामलात में आजमाइश और परेशानी, खसूसन साहिब औलाद अफराद जो हैं इनको अपनी औलाद की आजमाइश का वास्ता पड़ सकता है। 3 जुलाई सूरज ग्रहण लगने से ट्रैफिक हादसात और ख़ानदान में मसाइलों परेशानी और किसी बुजुर्ग की जुदाई का सदमा जो है ये पेश आने की इंडिकेशन है। 17 जुलाई चांद ग्रहण और फिर 26 दिसंबर 10वें सूरज ग्रहण होने लगने से आपकी बढ़ती हुई तजारती कारोबारी साख हासदी और मुखालफत किसी साजिश के तहत मुतासर कर सकते हैं। खसूसन सियासी लोगों को ख़ास एहतियात का मशवरा है, हसब तौफीक सदका खोल कर खैरात दें और दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज आयात ज़रूर अदा करें। बुर्ज सौर के हामिल अफराद के जायचे में 6 जनवरी को सूरज ग्रहण 9वें लगने से तलीम बिरूने मुल्क सफ़र में खामखा की तखीर रुकावट बिलखसूस रूहानी खलाइक या चिल्लाकशी में नाकामी। इसके अलावा 21 जनवरी चौथे चांद ग्रहण खानगी ख़ानदानी सवारी से मुतलका जो मामलात हैं उसमें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, और इसके अलावा मेडिकल चेकअप में कोताही बिल्कुल नहीं बढ़ते। 3 जुलाई सूरज ग्रहण लगने से तीसरे घर होने से बहन भाई अजीज़ो कारिब और स्पेशली सफ़र अगर कर रहे हैं तो सदका ज़रूर दें और बग़ैर बिला वजह का सफ़र जो है वो उससे अवॉइड करें। इसके अलावा बुज़ुर्गों की मशावरत जो है उसको ज़रूर शामिल हाल रखें। 17 जुलाई चांद ग्रहण और 26 दिसंबर सूरज ग्रहण 9वें लगने से बिरूने मुल्क सफ़र पर जाते वक्त सदका देकर अपने सामान का ख़ास ख्याल रखें और अजनबी अफराद से मोहतात रहें। तलबा तलीम के लिए बिरूने मुल्क ना जा सके तो मायूस बिल्कुल नहीं हो, सदका दें और आने वाले अच्छे दिनों में दोबारा से अप्लाई करें। दो के मजमुई इमसाल 5 ग्रहण लगेंगे जिसकी वजह से 6 जनवरी सूरज 17 जुलाई चांद और 26 दिसंबर फिर सूरज ग्रहण, ये सभी ग्रहण आपके 8वें घर लगने की वजह से मुश्तरक मफादात के काम मुतासर होंगे। हसूल विरासत के मामलात हल होते इन अयाम में किसी सबब रिकावट या इल्तबा का शिकार हो सकता है। इन अयाम में खसूसन मोहतात रहने के साथ साथ खूब सदकात दें। इसके अलावा 21 जनवरी तीसरे चांद ग्रहण लगने से अजीज़ अकारिब बहन भाइयों की जानिब से सदमा या कोई शिकवे शिकायत गिले शिकवे या माली तौर के ऊपर उनकी तरफ से कोई फरमाइशी प्रोग्राम जो है ये आपको दरपेश रह सकता है। इसके अलावा 3 जुलाई खाने माल में सूरज ग्रहण का लगना माली अंदरूने मुल्क और स्पेशली आमदन के वसाइल जो हैं या कारोबारी मामला जो हैं उनमें कोई नुकसानात की इंडिकेशन है। इस हवाले से कोई बेदस की आस नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम्स दरपेश रहे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनसे बचें तो आप सदका ज़रूर दें और दौरान ग्रहण नमाज आयात ज़रूर अदा करें। में 5 में से 3 ग्रहण बेहद अहम और नाकिस सम्राट के हामिल मालूम होते हैं। 6 जनवरी ताले के मुकाबले सूरज ग्रहण लगने से शराकती अजदवाजी सोशल या समाजी ताल्लुकात करीबी अहबाब या दूसरों से बिला वजह मुतासर हो सकते हैं। कबल अजी प्लानिंग से इन नहस असरात से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। 21 जनवरी चांद ग्रहण खाने माल में लगने से ख़ानदानी सदमात और नागहानी माली अखराजात आर्जी तौर से परेशानी का बायस बन सकते हैं।
30 जुलाई सूरज ग्रहण ताले में लगने से आपकी हैसियत और शख्सियत, नेक नामी, सेहत जिस्मानी मुतासर होने के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कबल अजी ही खूब सदकात दें। और इसके अलावा 17 जुलाई को चांद ग्रहण सातवें और फिर 26 दिसंबर सूरज ग्रहण भी इसी घर में लगेगा। आपका शरीकेकार या जीवन साथी आपसे रूठ सकता है। इसके अलावा अपनी जो शराकतदारी है, आपकी जो पार्टनरशिप है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें, एग्रीमेंट्स लिखत पढ़त और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और इसके अलावा जी खोल के सत्कार दें और दौरान ग्रहण जो है नमाज आयात ज़रूर अदा करें। उन्नीस ग्रहणों के बद असरात से महफूज रहने के लिए जो तवारीख में आपको बता रहा हूं इनको आप नोट फरमा लें। 6 जनवरी छठे सूरज ग्रहण लगने से हादसात, खराबी सेहत के अलावा गैर जिम्मेदाराना फराइज से मुलाजमती मामलात अचानक जो है तनजली का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो है 21 जनवरी चांद ग्रहण ताले में लगने से खराबी सेहत, जहनी दबाव, डिप्रेशन, आपकी हैसियत और शख्सियत जो है उसको मुतासर होने की इंडिकेशंस। इसके अलावा 3 जुलाई चांद ग्रहण बारहवें लगने से खुफिया दुश्मन जेर और आशकार हो सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए अखराज जो हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। 17 जुलाई चांद ग्रहण और फिर 26 दिसंबर सूरज ग्रहण लगने से ये ग्रहण अपने बद असरात के नतीजे में रोज़गार, माशी परेशानी और फिक्र जो है वो लाहक कर सकते हैं। सदकात और खैरात जो हैं वो जी खोल के दें और नमाज आयात ज़रूर पढ़ें। स्पेशली चांद ग्रहण में आप पढ़ेंगे नमाज खसूफ और सूरज ग्रहण में आप पढ़ेंगे नमाज कसूफ। और इन आयात को, इन नमाज को अदा करने का जो तरीका है वो जंजानी जंत्री में आपको मिल जाएगा। दो हजार उन्नीस में 5 ग्रहण लगेंगे जिसमें से पहला ग्रहण 9 जनवरी और इसके अलावा 6 जून को पांचवें ग्रह लगने से साहिब औलाद, बच्चों के रोज़ शब की जो मसरूफियात और इनकी सेहत से आप बिल्कुल भी गाफिल नहीं रहे। मोहब्बत में धोखे की इंडिकेशन जो है इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा 21 जनवरी बारहवें चांद ग्रहण लगना हसूल इमिग्रेशन में मामलात में इल्तवा और प्रॉब्लम्स, अलबत्त आपके जो खुफिया हासदीन हैं वो आशकार होंगे और जलील ख्वार भी हो सकते हैं। इसके अलावा 3 जुलाई ग्यारहवें सूरज ग्रहण लगने से दूसरों से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं आपकी पूरी ना हो सकेंगी और दोस्तों की बेवफाई का सदमा जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसके अलावा 17 जुलाई चांद ग्रहण पाँचवें लगने से तलीमी सरगर्मियाँ मुतासर होने की इंडिकेशन है। बच्चों की निगहदाश्त, तलीम व तरबियत की जानिब से फिक्र और परेशानी रहे, जबकि 26 दिसंबर सूरज ग्रहण पांचवें लगने से जज्बात में गलतियां कर सकते हैं या जिनसे मुखालिफ के दामे फरेब में आ सकते हैं। दौरान ग्रहण सदकात जी खोल के दें और नमाज आयात ज़रूर अदा करें। पहला सूरज ग्रहण 6 जनवरी चौथे लगने से ख़ानदानी मसाइल और परेशानियां, जल्दबाजी से हादसा की इंडिकेशंस। इसके अलावा 21 जनवरी चांद ग्रहण ग्यारहवें लगने से दूसरों से वाबस्ता आपकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी ना हो सकेंगी। 3 जुलाई दसवें चांद ग्रहण लगने से कारोबारी मसाइल और परेशानियों का नुकसान की इंडिकेशंस। इसके अलावा 17 जुलाई चांद और 26 दिसंबर सूरज ग्रहण चौथे लगने से अंदरूनी खाना मसाइल और परेशानियां, वालदेन खसूसन वालदा की सेहत का खास तौर से ख्याल रखें और इस दौरान सदकात और नमाज आयात ज़रूर अदा करें। दो हज़ार उन्नीस में 5 ग्रहण लगेंगे जिसमें से पहला ग्रहण जो है 6 जनवरी तीसरे आपके जायचों के घर में लगेगा। तो अजीज़ो कारे बहन भाइयों की तरफ से फिक्र परेशानी और उनकी तरफ से आपकी गैर ज़रूरी फरमाइशें जो हैं वो चल सकती हैं, जिनको आप पूरा ना करने की वजह से उनकी नाराज़गी मोल ले सकते हैं। इसके अलावा 21 जनवरी चांद ग्रहण और 10वें इज्जत और कैरियर के घर में लगने से आपकी बढ़ती हुई इज्जत या हासदीन नाकदीन जो आपके लिए प्रॉब्लम्स या बद इरादे उनके जो हैं वो साजिशी मैदान में आ सकते हैं। इसके अलावा 3 जुलाई सूरज ग्रहण 9वें लगने से बिरूने मुल्क सफ़र में रुकावट या कोई कानूनी परेशानी की इंडिकेशन। 17 जुलाई चांद ग्रहण जायचे के तीसरे घर लगने से अंदरूनी मुल्क सफ़र में रुकावटें, हादसा, बहन भाइयों, पड़ोसियों से इख्तलाफात का खदशा। और इसके अलावा 26 दिसंबर फिर इस घर में ग्रहण लगना नेक शगुन नहीं है। कोशिश करें कि अपने नाराज़ बहन भाई पड़ोसियों को मज़ीद नाराज़ नहीं करें और दौरान ग्रहण सदकात दें और नमाज आयात ज़रूर अदा करें।
पहला सूरज ग्रहण 6 जनवरी खाने माल में लगने की वजह से कारोबारी लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको किसी बड़ी माली नुकसान या परेशानी का इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा 21 जनवरी 9वें चांद ग्रहण लगने से बिरूने मुल्क कारोबारी निजी सफ़र में रुकावट का अंदेशा, और इसके अलावा गैर ज़रूरी सफ़र जो है खसूसत कारोबारी सफ़र से इज्तनाब करें, अदरवाइज़ आपकी जो ख्वाहिशात हैं उस सफ़र से या आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो आपकी प्लानिंग्स उसके अकॉर्डिंग नहीं जाती हुई नज़र आती। इसके अलावा 31 जुलाई सूरज ग्रहण 8वें लगने से मुश्तरका मफादात के काम हसूल विरासत जैसे सभी अमूर जो हैं वो एहतियात तलब रहेंगे। इसके अलावा 17 जुलाई चांद ग्रहण फिर जायचे के खाने माल में लगने की वजह से नागहानी मसाइल परेशानियां पेश आ सकती हैं। दूसरों को दिया गया कर्ज जो है ये मुमकिन तौर के ऊपर वापस नहीं मिल सकेगा। 26 दिसंबर सूरज ग्रहण एक मरतबा फिर खाने माल में लगने की वजह से माली लिहाज से चीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दौरान ग्रहण सदकात दें और नमाज आयात ज़रूर अदा करें। छः जनवरी सूरज ग्रहण ताले में लगने से आपकी हैसियत और शख्सियत सेहत जिस्मानी मुतासर होने का अंदेशा बाईदस की आस नहीं। इसके अलावा 21 जनवरी 8वें चांद ग्रहण लगने से शराकती अजदवाजी लेन देन और पार्टनरशिप के जो मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम्स और रुकावट की इंडिकेशन। इसके अलावा 3 जुलाई 7वें सूरज ग्रहण लगने से शरीकी हादियाँ शरीक कार के ऊपर आपका किया गया भरोसा जो है ये टूट सकता है, ऐसे में जज्बाती हरकत ना हो। इसके अलावा 17 जुलाई चांद ग्रहण और 26 दिसंबर सूरज ग्रहण ताले में लगे तो 2019 में 3 ग्रहण आपको ज़ाती तौर से मुतासर करेंगे और सदका खैरात आप दौरान ग्रहण ज़रूर दें और इसके अलावा जो है नमाज आयात ज़रूर अदा करें। 6 जनवरी को पहला सूरज ग्रहण होने की वजह से और 17 जुलाई को चांद ग्रहण, 26 दिसंबर को सूरज ग्रहण, ये सभी ग्रहण शमसी जायचे के आपके 12वें घर में लगेंगे और आपके दुश्मन जो हैं वो जलीलो ख्वार होंगे, आशकार होंगे, लेकिन बढ़ते हुए अखराजात जो हैं उनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 3 जुलाई 6 सूरज ग्रहण लगने से कर्ज मर्ज मुकदमात से आपको मुमकिन तौर पर निजात मिल सकेगी, बशर्ते इससे पहले आपने पहले से कोशिश की हो। 31 जनवरी 7वें सूरज ग्रहण लगने से शरीक कार या शरीक हयात जो है उसके साथ आपके शकूक व शुबहात जन्म ले सकते हैं। दौरान ग्रहण सदकात ज़रूर दें और नमाज आयात ज़रूर अदा करें। 6 जनवरी को 11वें लगने से कुछ दोस्तों की बेवफाई आपको दिल बर्दाश्त कर सकती है, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें अदरवाइज आपको मायूसी होगी। 21 जनवरी 6 ग्रहण लगने से आप अपनी नियत बना लें कि आपने अपने कर्ज की अदायगी करनी है और अपना कर्ज ख़त्म करना है, अगर ये आप नियत बना लें तो आप मुमकिन तौर के ऊपर इसके ऊपर पूरा उतर सकते हैं, दुश्मन जेर और अमराज जो हैं उनमें कमी आ सकेगी। 3 जुलाई सूरज ग्रहण साहिब औलाद अफराद को अपने बच्चों की निगहदाश्त और उनकी रोज़ो शब से बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना चाहिए। 17 जुलाई 11वें चांद ग्रहण दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी ना हो। 26 दिसंबर सूरज ग्रहण भी दोस्तों की बेवफाई कारोबारी नफ़े की बजाय गफलत से नुकसान की इंडिकेशन है। ये तमाम वो ग्रहण के नेगेटिव असरात हैं जो हमने आपको आज के प्रोग्राम में बताए और आपको हमने हर दफ़ा ये तंबीह की कि दौरान ग्रहण आपने सदका ज़रूर देना है और नमाज आयात ज़रूर अदा करनी है। सदका आपने कौन सा देना है इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आप कौन सा सदका दे सकते हैं, और इसके अलावा नमाज आयात में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब चांद ग्रहण लगेगा तो आपने नमाज खसूफ अदा करनी है 2 नवाफिल, और जब सूरज ग्रहण लगेगा तो आपने तब नमाज कसूफ अदा करनी है। और इन नमाज़ों को अदा करने का तरीका जो है आप किसी भी इमाम मस्जिद आलम दीन या हमारी जंजानी जंत्री में भी देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खदमत पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।